से दो दिन पहले केरल में मॉनसून क्या आया। झमाझम बारिश ने न केवल लोगों को गर्मी से राहत दी बल्कि मॉनसून तेजी से पूरे देश पर छाने के लिए अपने तय दिशा में आगे बढ़ चला है। मॉनसून कर्नाटक की दहलीज पर पहुंच गया है और कर्नाटक में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून की रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद है। केरल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 30 मई को मॉनसून पहुंचा था, जबकि मौसम विभाग ने 31 मई तक इसके केरल पहुंचने की संभावना जताई थी। 31 मई को ही उत्तरी पश्चिम बंगाल में मॉनसून पहुंच गया था। बंगाल में इस साल मॉनसून तय समय से 6 दिन पहले पहुंचा है। मॉनसून जल्दी आने का कारण रेमल साइक्लोन को बताया जा रहा है, जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। पीएम मोदी ने भी रेमल साइक्लोन के बाद आई बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की है, साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून काफी तेज रफ्तार से पूरे भारत में छाने को बेताब है और उम्मीद है कि सामान्य से ज्यादा बारिश मॉनसून की वजह से हो सकती है। एक से दो दिन में आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है मॉनसून। 10 जून तक महाराष्ट्र और तेलंगाना में मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून के आसपास मॉनसून गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार तक पहुंच जाएगा। 20 जून तक गुजरात के आंतरिक इलाकों, एमपी के मध्य हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर छा जाएगा मॉनसून। 25 जून को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 30 जून तक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक इसके पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इस साल अलनीनो प्रणाली कमजोर रही है और ला नीना स्थितियां सक्रिय हैं, जो इस साल अच्छे मॉनसून के लिए अनुकूल हैं। इसी के चलते भारत में मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है, जो अच्छे मॉनसून के लिए सकारात्मक संकेत भी है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।